गाइस वापस से आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में पीएस गेम्स लगी। तो गाइस देख सकते हो आज का माहौल बहुत ज्यादा ही सुहाना हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा सुहाना तो लग ही रहा है। हाँ भाई सुहाना लग ही रहा है। फ्रैंकली भैया तो क्या बात हुई? अबे यार बात यार वो पता चलेगी शिनचैन लास्ट एपिसोड में तो हो ही गई थी ना, लेकिन यार अभी जब पसंद नहीं आया है वो। किसने बोला पसंद नहीं आया है? अरे फ्रैंकली पसंद तो आया है। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो किस बारे में बात चल रही है? तो गाइस उसी बारे में बात चल रही है जो हम कल आपको दिखाया था। क्या दिखाया था? कार शोरूम। तो गाइस यार उसी बारे में बात चल रही है को ले या नहीं ले। लेकिन वैसे तो यार अभी कार शोरूम का जो ओनर है वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि यार वो 900 करोड़ रुपीस की डील बोल रहा है। अरे फ्रैंकली भैया इतने का जुगाड़ कैसे करोगे? भाई वो तो हमें देखा जाएगा। अब आप तो बोल रहे तो क्या, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मालिक ही नहीं है तो क्या बोले। हाँ भाई मालिक ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अरे हाँ ये भी बात है। तो आज आपने सिक्योरिटी क्यों बाहर भेज दी? सिक्योरिटी आज बाहर ही रहने दो यार, सिक्योरिटी को आज छुट्टी दे दी मैंने। भैया हम स्कूल जाएं? तो अच्छा तुम लोग चलो स्कूल के लिए निकलो फिर तुम तो। अब आज सब फ्रैंकली ना निकल स्कूल के लिए हम भाई आज ही मुझे निकलना है। तो यार आज ही मुझे इसकी शोरूम की डील करनी है। वो फ्रैंकलिन सर बोल रहे थे लॉस सैंटोस के जो इंचार्ज हैं यार, वो लेंगे या नहीं लेंगे मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने यहाँ पर गाड़ी को इधर ही पार्क कर देता हूँ यार, मैं क्या उधर जाऊँगा। ये डील निपटानी है और मेरे को ये शोरूम का झमेला से निकलना है, ठीक है? सारे पेपर सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज मेरे पे बहुत सारी पार्टीज आने वाली है। और ब्रो अरे अरे हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सर? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे अरे वो आएगा तुम्हारा फ्रैंकलिन सर? सर आई डोंट नो यार। अरे अच्छा अच्छा, और ये कौन है? अरे सर हम तो गाड़ियाँ देखने आए हैं। अरे अरे वेटिंग तुम्हारे लिए क्या है? अरे सर वेटिंग बहुत हो रही है सर आपको। लोग एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? बात अब उठा उठा उठा। हेलो, अरे अरे फ्रैंकलिन सर। हाँ हाँ हाँ, अरे फ्रैंकलिन सर हमारे बॉस आ गए हैं। मतलब? अरे सर हमारे बॉस आ गए हैं मतलब कार शोरूम के ओनर, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ हाँ बात करवाओ सर। हाँ भाई हाँ, फ्रैंकलिन सर आप आ सकते हो, अगर आपको डील क्लोज करनी है तो आप आ जाइए, मेरे पास और भी क्लाइंट है सर, अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, हम आपके लिए रोक करके रखते हैं। अच्छा तो फ्रैंकलिन सर बताइए भाई, कम नहीं होगा क्या कुछ? अरे सर कम नहीं होगा सर, आपको 2 घंटे के अंदर डील क्लोज करनी पड़ेगी, नहीं तो 5 बजे कोई और पार्टी आने वाली है। फ्रैंकलिन भैया क्या बताओगे, पक्का कर दो? रुक जा भाई रुक जा, फ्रैंकलिन फाइनल कर दे। फाइनल? ठीक है मैं फाइनल करता हूँ। अरे अरे ठीक है फ्रैंकलिन सर, आप जैसा कहो आप वापस से आ जाना इधर। हाँ हाँ मैं फाइनल करता हूँ, इसको क्लोज रखो अभी मैं आता हूँ, ठीक है? पैसे लेकर के। ठीक है फ्रैंकलिन सर। ओके अबे यार तुम लोगों ने जल्दबाजी में डील को इतना जल्दी क्यों करवा दिया? अरे तो हमारे पैसे थोड़ी गए हैं, और ना ही हमने उसने हमें वो दे दिया है, वो तो एंड टाइम पे कैंसिल कर देंगे। नहीं यार शिनचैन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं और कुछ नाम बन रखा होता है ना समाज में, तो यार ऐसा नहीं करना पड़ता। तो फ्रैंकली भैया अभी हम स्कूल जाएं? हाँ तुम स्कूल जाओ भाई, हम पैसों का जुगाड़ करते हैं। क्या है नहीं क्या पैसे? माइकल भाई आपके पास कितने हैं? फ्रैंकली मेरे पास होंगे कुछ यही 200 करोड़ रुपए। अच्छा अच्छा ट्रेवर भाई, फ्रैंकली मैं भी 200 करोड़ का जुगाड़ कर दूंगा भाई, इतने तो मेरे पास भी हैं। पर ये तो 600 करोड़ हुए, तो तुम लोगों के पास थोड़ी है? फ्रैंकली भैया हाँ जो है वो हमारा आपके पास ही है। हाँ यार तो पूरे 600 ही हुए हैं। अरे फ्रैंकलिन यार और ज़्यादा नहीं हो पाए? अरे गाइस यार अभी 300 करोड़ रुपए मिसिंग लग रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया जुगाड़ करो कहीं से, तुम पहले स्कूल जाओ। क्यों? अब यार स्कूल जाओ, लेकिन फिर डील। चल मैं तुम्हें स्कूल में लेने के लिए आ जाऊँगा। ठीक है वैसे भी हमारा हाफ डे है। क्यों? अरे इससे फेस्टिव सीजन चल रहा है ना। अच्छा अच्छा चल ठीक है तुम जाओ, अगर मेरे भाई पैसे हो जाएंगे तो भाई मैं आ जाऊँगा तुम्हें स्कूल में लेने के लिए, फिर वहाँ से चलेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन भैया। हाँ भाई हाँ भैया हम जाते हैं। हाँ भाई हाँ, शोरूम लेंगे फ्रैंकलिन भैया। हाँ भाई आराम आराम से जाना तुम, ठीक है? अगर भाई अगर पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग फिर हम आ जाएंगे। क्या हो नहीं पाएगा क्या? नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब आज तक तुम्हें क्या लगता है कि फ्रैंकली पैसों का जुगाड़ कर पाएगा भाई? 300 करोड़ रुपए भाई, वो भी 1 घंटे के अंदर कैसे जमा करेगा? अरे मेरे को तो नहीं लगता हो पाएगा। हिमावरी यार से तुम सकारात्मक बोलो यार। अब आते यार मेरे को भी नहीं लगता ये जुगाड़ कर पाएगा फ्रैंकली या नहीं कर पाएगा। गाइस आपको क्या लगता है वो कमेंट करके हमें बता दो, फ्रैंकली जुगाड़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा? फ्रैंकली भैया बड़े जुगाड़ू हैं यार, कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। चलो चलो हम तो फिलहाल के लिए स्कूल चलते हैं। हाँ यार गाइस यार हम लोग तो स्कूल जाते हैं यार। तूने यार बच्चों को बोल तो दिया यार। हाँ मैं कल भाई बोल तो दिया है, लेकिन यार पैसों का जुगाड़ और 1 घंटे के अंदर 300 करोड़ यार, इट्स नॉट अ ईजी। अबे भाई तो क्या करेंगे यार? अरे फ्रैंकली कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस आप लोगों के पास कोई उपाय है तो बता दो। अरे फ्रैंकली कहीं बच्चे ही ना लगने लग जाए। अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। ओके सो गाइस जल्दी से तुम लोग गाड़ी में बैठो यार, देखते हैं भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ बनता है। फाइनली हम लोग निकल चुके अपनी टेस्ला कार को लेकर के, अब यार देखेंगे क्या जुगाड़बाजी है क्या नहीं है। अरे फ्रैंकलिन यार किससे हो सकता है जुगाड़? अरे माइकल भाई हम लोग तो अपना सारा पैसा लगा करके भी 600 करोड़ रुपए होते हैं, फिर बाद में यार वो तो होते जाएंगे, लेकिन गाइस यार अभी किसी से लोन लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अरे यार तो ऐसा करते हैं ना, साइमन के पास चलते हैं, बड़ा माला माला आदमी है।
अरे साइमन के पास चलते हैं, फिर डेविन के पास चलते हैं। गाइस यार ये लोग अगर कुछ हेल्प कर देते हैं ना तो भाई यार जब भी यार जितना भी हमारा अगर वो अच्छे से बिजनेस चला ना कार शोरूम का, तो भाई साहब जितना भी प्रॉफिट होगा इनको दे देंगे। और नहीं तो फ्रैंकली मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे, इतनी शोरूम में इतनी महंगी महंगी गाड़ी है फ्रैंकलिन। हाँ यार महंगी महंगी गाड़ी तो काफ़ी है भाई यार, बस यार मेरे को जुगाड़ हो जाए भाई अच्छे तरीके से। ये लोग भरोसा तो कर लेंगे ना माइकल भाई हम पे, वो यार मुझे भी नहीं पता यार। अरे यार देखते हैं गाइस। तो गाइस यार आप लोग प्रे करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्द। तो गाइस हम स्कूल पहुंच चुके हैं, फ्रैंकली भैया ने बोला है कि गाड़ी अपनी इधर ही खड़ी कर देना। अब अरे हाँ इधर ही खड़ी कर दो। अब आता है मेरे को भी नहीं लग रहा है यार भाई, मेरे को टेंशन हो रही है भाई। चप्पो हम कुछ जुगाड़ करेंगे पैसों का। अब आप सब हम क्या कर लेंगे। नहीं यार कुछ करते हैं यार, मैं तो कहती हूँ स्कूल को भेज दो। हिमाबारी पागल हो गई ये क्या। अब आप आपसे वैसे सही तो बोला उसने। अरे यार तुम लोग ही बिल्कुल ही बोंदू हो। पिंचन भाई चलो यार इनसे क्या ही बात करें, बात सब मान ले तो रुक जाओ। अरे यार तुम लोगों को भोंदू वाली बात करनी होती है जल्दी से। गाइस यार हम टेस्ला लोके प्ले करके पहुंच गए साइमन के पास, और यहाँ पे थोड़ी सी आंधी तूफान बारिश भी हो रही है। फ्रैंकली मैं साइमन के पास नहीं जाऊंगा, ड्राइवर भाई और मैं। ओके ओके ओके। अरे फ्रैंकली क्या हाल है। बस भाई बढ़िया हाल है फ्रैंकली। यार ये गलत बात है, तू मेरे को ही अंदर ले आया। अब यार आप नहीं आना चाह रहे तो मैं ही ले आया ना, मैं नहीं उतरूँ मत उतरो। साइमन भाई आज तेरी हेल्प की जरूरत है। अरे फ्रैंकली ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा दोस्त हमेशा आते रहे। अरे अरे हाँ साइमन साइमन हेल्प चाहिए यार। अरे अरे फ्रैंकली क्या हेल्प चाहिए भाई, एक शोरूम है। अरे हाँ वो शोरूम के बारे बड़ा चर्चे में है वो। अरे क्या हो गया भाई। यार हम उसे खरीद रहे हैं, वो यार वो नेगोशिएट बिल्कुल नहीं कर रहा है, और वो 900 करोड़ का अटका पड़ा है और हम पे 600 करोड़ का जुगाड़ है। अच्छा फ्रैंकली वैसे वो डील बड़ी अच्छी है, अगर तुम उसको बहुत टाइम बाद मतलब एक साल बाद भी बेचोगे ना तो वो कम से कम तुम्हें 2000 करोड़ की बिकेगी। क्या और नहीं तो क्या, वो जगह बड़ी डेवलपमेंट वाली है। अच्छा भाई ऐसे तो मतलब ट्रेवर भाई फायदे की बात है वो। अरे और नहीं तो क्या। तो साइमन बस उस अगर फायदे की बात है और तेरे को भी पता है उस एरिया के बारे में, तो ऐसा कर दे साइमन यार थोड़ी सी हेल्प कर दे, हम पे 600 करोड़ का जुगाड़ है, बाकी ऊपर के तू दे सकता है तो। अरे फ्रैंकलिन 300 करोड़ तो मेरे पे नहीं है। तो भाई कितने हैं भाई तू बता दे। फ्रैंकलिन मेरे पे ना 150 करोड़ का सोना और हीरे सब रखे हुए हैं। क्या और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन। तो भाई यार करवा दे जुगाड़। अरे फ्रैंकलिन मैं करवाता हूँ जुगाड़। हाँ भाई जल्दी करवा यार, कम से कम 150 करोड़ की तो हेल्प मिले, फिर 150 करोड़ रुपए की और हेल्प चाहिए। अरे फ्रैंकलिन देख लो डेव के पास मिल जाएगा। हाँ भाई मैं उसके पास जाकर के भी बात करता हूँ। अरे और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन, बाकी हमारे पास सोलोमोन भी है। All can see guys, हमारा जुगाड़ हो चुका है, इतना सारा गोल्ड दे दिया है साइमन ने। तो भाई यार अपना ना 150 करोड़ रुपए तक का जुगाड़ हो गया है, थोड़ा सा और 150 का जुगाड़ करना है, और ये गाड़ी हम लेकर के जा रहे हैं साइमन ने हमें दी, और टेस्ला को हम इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। फ्रैंकलिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई तू संभाल लियो। गाइस जल्दी से चलते हैं और डेविन हमारी हेल्प कर देगा। और माइकल भाई मुझे लग रहा है शिनचैन को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास पैसों का जुगाड़ हुआ ही नहीं है। अरे हाँ फ्रैंकलिन ये बात तो है भाई, लग रहा होगा शिनचैन को। ओके सो गाइस यार हम इतना ज्यादा गोल्ड ले जा रहा है भाई, तुम्हें पता भी है पुलिस बैठी हुई है तुम्हारी, तैसे मार देंगे हम लोग। अब यार शिनचैन की कॉल तो आ रही है माइकल भाई। अरे अरे उठाइयो मत उठाइयो मत। हाँ हाँ सरप्राइज है भाई, उन लोगों के लिए भी सरप्राइज है, और लोग गाइस आप लोगों के लिए भी मतलब। अब चलो यार डेविन हेल्प कर देगा हमारे से, तो यार बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डेविन पे भाई बहुत पैसा रहता है, अच्छा खासा बिजनेस मैन है माइकल भाई के बाद। अगर किसी पे पैसा ज्यादा था उस टाइम पे तो भाई डेविन ही है, और इस टाइम जो डेविन के पास ज्यादा ही है। नहीं फ्रैंकली मेरे बिजनेस का रेवेन्यू फिर भी डेविन से ज्यादा ही होता है। अच्छा अच्छा इतना ज्यादा, और नहीं तो क्या माइकल तू तो बड़ा 30 बार खाना है। अरे अरे यही मान के चल ले। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा करके इस वीडियो के बाद जरूर से फॉलो कर लेना। All can see guys, half day भी हो गया, लेकिन फ्रैंकली भैया की ना कॉल आई ना कुछ आई, मतलब फ्रैंकली भैया आने ही नहीं वाले। अब आसम मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यार, फ्रैंकली नहीं आने वाला यार, मतलब यार पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ होगा यार, नहीं तो चप्पू डील तो करनी ही है ना। अब आसम फ्रैंकली का यार नहीं जुगाड़ हो पाया होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैंकली ने अपना बेस्ट तो दिया ही होगा। और नहीं तो क्या, इसे जल्दी के लिए वैसे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो फाइनली गाइस यार डेविन के घर हम ज्यादा पहुंच चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हो डेविन डेविन डेविन। तो गाइस यार डेविन के घर हम पहुंच चुके हैं। हाँ 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 भाई ओए खुल जा सिम सिम खुल जा जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन यार जैसे साइमन बता रहा था ये 2000 करोड़ का बिकेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना, और नहीं तो क्या भाई, और प्रॉफिट यार हम लोग इनमें बांट देंगे। और डेविन क्या हाल है। अरे 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 फ्रैंकलिन भाई तू इधर आ गया। हाँ भाई मैं इधर आ गया हूँ। अरे इतना सोना लेकर के चल रहा है, और नहीं तो क्या भाई। अरे धनतेरस आ रहा है इसलिए। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बात तो चल वो भी हो सकती है, लेकिन यार पता है वो लग्जरी कार शोरूम है। अरे फ्रैंकलिन वो 900 करोड़ का भाई सबके चर्चे में है क्या। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं खरीदने की सोच रहा पर उतना पैसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें ना बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तेरे को भी पता है उसमें प्रॉफिट मिलेगा। हाँ भाई बहुत प्रॉफिट मिलेगा, वो तो पता नहीं वो ओनर की थोड़ी बुद्धि खिसक गई है जो इतना सस्ता दे रहा है। ओ भाई सब सस्ता है इसका मतलब है। और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन। अच्छा भाई देख मेरे पे ना 150 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। क्यों फ्रैंकलिन
भाई मेरे को शोरूम लेना है वो वाला। हाँ तू लेने जा रहा है? हाँ भाई मैं लेने जा रहा हूँ भाई, 150 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो यार तू कुछ जुगाड़ कर दे। अरे फ्रैंकलिन मैं जुगाड़ कर लूँगा, और ये जो गोल्ड है ना भाई मुझे दे दो। क्यों? अरे फ्रैंकलिन ये कितने का होगा भाई? ये 150 करोड़ का है। तो फ्रैंकलिन ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्ट 300 करोड़ तुम्हारे बैंक में दे देता हूँ। हैं? हाँ फ्रैंकलिन और गोल्ड मुझे दे दो। चल भाई तू ऐसा कर ले, और तू ऐसा डील कर सकता है तो ऐसे कर ले। हाँ फ्रैंकलिन मैं करता हूँ डील। सो फाइनली गाइस डील हो चुकी है फाइनल। हाँ फ्रैंकलिन डील फाइनल हो गई। ओके सो गाइस सारा पैसा हमारे पास आ चुका है, और अब अच्छा खासा जुगाड़ हो गया हमारे पास। 900 करोड़ क्या डेविन ने थोड़े से ज़्यादा ही दे दिए, क्योंकि डेविन को पता था कि ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। अरे फ्रैंकलिन इन्जॉय ब्रो इन्जॉय। हाँ भाई इन्जॉय क्या भाई। ओके सो गाइस बाकी डेविन ने यार अभी एंड ओवर हमें मंगवा ली थी, हम लोगों ने एंड ओवर मंगा ली थी, और एंड ओवर अब शिनचैन का स्कूल साइड में है। शिनचैन को लग रहा होगा कि हम लोग यार फेल हो गए हैं पैसा जमा करने पर, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग फेल नहीं हो। फिर हम लोगों ने जुगाड़ अच्छा खासा कर लिया है, और नहीं तो क्या गाइस। तो गाइस ये शिनचैन भी हाफ डे भी टाइम हो चुका। ओ भाई बाहर ही खड़े हुए हैं। कौन है? अबे शिनचैन फ्रैंकी भैया। हाँ भाई मैं आ गया हूँ। अरे फ्रैंकी भैया को क्या हुआ? अरे भाई चलो भाई जल्दी शोरूम लेने के लिए। क्या हुआ? अबे भाई हो गया भाई जुगाड़। कैसे? अबे भाई हो गया तो हो गया। अरे यार मैं बिलीव नहीं करता, मत मान। अरे फ्रैंकी भैया हो गया भाई बहुत अच्छी तरीके से। अरे हाँ फिर बेटा बहुत अच्छी तरीके से जुगाड़ हो चुका है, 900 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा ही हो गया। अब हम उसको खरीद सकते हैं शोरूम को। मजा आएगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ गाइस इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन लेकिन इस वीडियो के बाद। तो कैसे चलें? तुम लोग पीछे लेकर के आओ लैम्बोर्गिनी हुरकन, और हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है फ्रैंकलिन भैया। तो फाइनली गाइस शिनचैन हमारे साथ आने वाला है। भाई सब क्या भाई लैम्बोर्गिनी हुरकन की क्या लाइट कर रखी है इसने। तो गाइस चलो यार वो शिनचैन आते ही होगा। हाँ फ्रैंकलिन चलते हैं भाई शोरूम लेने के लिए, और नहीं तो क्या गाइस शोरूम लेने में अब ज्यादा ही मजा आने वाला है। अरे फ्रैंकलिन भैया इतनी जल्दी भाग लिए? तो भाई तुम्हारे पास तो हुरकन है, तुम्हें तो और जल्दी आना चाहिए। अरे 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 गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो हम शोरूम के बहुत ज्यादा करीब ही पहुंच गए हैं। शिनचैन अपना लेकर के आ रहा है। फ्रैंकलिन भैया चलो चलो। हाँ भाई चल रहे हैं। भाई मेरे को दिक्कत बहुत ज्यादा कंसर्न है इस चीज का। फ्रैंकलिन किस बात कब? अरे यार पैसे का जुगाड़ तो हो गया। अरे नहीं यार ये शिनचैन कैसे चढ़ेगा रैंप पे? अरे यार चिंता मत करो, चिंता ही तो हो रही है, नहीं चढ़ पाया तो मत आइयो ठीक है। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर मैं फ्रंट गेट पे आ जाऊंगा। आ जाइए भाई आ जाइए, उधर पार कर लियो। फ्रैंकलिन भैया मैं कैसे चढ़ू? भाई मैं ही फंस गया, तू क्या चढ़ेगा भाई? गाइस मेरे को नहीं लगता शिनचैन आ पाएगा भाई, लैम्बोर्गिनी हुरकन है, नहीं तो मेरे को ही लेकर के आनी पड़ेगी भाई। लैम्बोर्गिनी हुरकन को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। बाकी तो हमारे पास ये है, कौन सी है? एंडोवर है। एंडोवर तो यार ऑफ रोडिंग किंग ही आ जाती है। फ्रैंकलिन थार लेकर के आनी चाहिए थी भाई, उस टाइम ऐसा थोड़ी पता रहता है, लेकिन यार हुरकन को भी हम लेकर के आएंगे गाइस यार ठीक है, और डील आज हम फिक्स करके ही जाएंगे। अरे अरे ये कौन आ रहा है? अरे अरे भाई तुम लोगों का ही आ रहा हूँ भाई डील। अरे अरे फ्रैंकलिन सर आ रहे हो? आ जाइए आ जाइए। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। माइकल भाई आप लोग इधर ही रहना। क्यों फ्रैंकलिन? अरे वो गाड़ी वाड़ी लेकर के मैं आता हूँ। फ्रैंकलिन सर आइए आइए आइए। अरे यार आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रहे हो यार, आपने तो बोला यार डील करनी है। डील कर लेंगे, लेकिन यार थोड़ा सा यार अपनी हुरकन को भी तो लेके जाना है। अरे पहुँच गई है तू? हाँ भाई हाँ, थोड़ी भाई एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए होता है तेरी तरह थोड़ी। अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने कभी थोड़ी चढ़ाई है इसमें। हाँ यार फ्रैंकलिन आ जा जल्दी। हाँ माइकल भाई मैं आ रहा हूँ। हाँ हम तो कॉफ़ी पी रहे हैं। हाँ भाई कॉफ़ी के मज़े लो भाई, डील हो रही है, 900 करोड़ की कॉफ़ी भी ना देंगे तो क्या ही बात है। और नहीं तो क्या फिर और आगे कौन डील करेगा इनसे? बाकी यार मुझे लग रहा है ये लॉस सैंटोस का व्यक्ति नहीं है, बस इन्हें ये बनाया और यहाँ पे बेक करके निकल जाएगा, और तभी इसे यहाँ की प्राइसिंग नहीं पता है। अरे फ्रैंकलिन भैया कितनी प्राइसिंग है भाई? 2 करोड़ के ऊपर, 2000 करोड़ के ऊपर जा रही है, और ये हमें 900 करोड़ में बेच रहा है। और नहीं तो क्या, आजा भाई आजा जल्दी। अरे हूँ फ्रैंकलिन भैया, चलो चलो सारी डील करते हैं। आ रहा है ना? आ रहा हूँ यार मैं, कैसे आओ और कैसे आऊँ? डील हो रही है, और हिमावारी और चॉप कहाँ पे है? बात हम लोगों को यार खाने पीने दो यार। अच्छा भाई ये लोग मुझे लग रहा है नीचे जो एक ऑफिस है ना, मतलब ऊपर जो ऊपर ही होगा उस जगह पे खाने पीने गए। अबे भाई मैं पहले व्यक्ति को देख रहा हूँ भाई जो तुम इधर मीटिंग कर रहे हो, वो भी यार उस पे सोफे पे चढ़ करके। हाँ फ्रैंकलिन करो। और फ्रैंकलिन सर क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, तुम बताओ यार, तुमने यार बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया इसमें। सर जी कोई दिक्कत नहीं है सर जी, लेकिन आपको जगह भी तो अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा सर। मेरे को पता है ये सी फेसिंग एरिया की ना बहुत अच्छी डिमांड है। हाँ भाई डिमांड तो है। फ्रैंकलिन इसके सामने कुछ ज़्यादा मुँह मत खोलियो। हाँ भाई डिमांड, लेकिन इतनी खास डिमांड नहीं है। सर मैं लॉस सैंटोस का व्यक्ति नहीं हूँ सर, मेरे को तो आज यहाँ से निकलना है, पर मैं यहाँ पे ऐसे प्लांट करके जा रहा हूँ, तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप दे दो। भाई 900 करोड़ का जुगाड़ हो चुका है, और सर ब्रीफ केस में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं इस शोरूम के, तो ये शोरूम आज से आपका हो जाएगा। ठीक है भाई ठीक है। माइकल भाई करे डन 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 डन। ओके सो गाइस आप लोग क्या कहते हो, डन करें डील? करो डन करो ना जल्दी।
कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रैंकलिन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन शिनचैन, माइकल भाई, ट्रेवर सर, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे अरे थैंक यू भाई, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भाई तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई यार। ओ तो फिर सर मैं जाता हूँ यहाँ से, अब मेरी फ्लाइट है। हाँ भाई तुम जल्दी कल्टी मारो यहाँ से, अब ये हमारा हो चुका है सब कुछ। As you all can see guys, document आ चुके हैं हमारे हाथों में, मतलब ये हो चुका है शोरूम अपना। तो guys सर देख सकते हो यार शोरूम हमने ले चुका है, तो कितनी ज़्यादा ही बेहतरीन बात हो गई है। अरे फ्रैंकली भैया यहाँ पे तो अब सारी गाड़ियाँ हमारी मतलब से बिकेंगी, और नहीं तो क्या। ओ करंट लग गया, करंट लग गया। तो उधर जाने को बोले किसने, वहाँ पे लिखा हुआ है ना, और तार भी तो है। और फ्रैंकली सर आप उधर बच जाइए। हाँ भाई सबसे पहले ये स्टाफ को चेंज करूंगा मैं। सर हमें मत करिए, हमारे पेट में लात मत मारिए। अरे फ्रैंकली क्यों बच्चों के पेट में लात मार रहे हैं इन लोगों के। अरे यार भाई सारी गाड़ियाँ टेस्ट करने मजा आएगी फ्रैंकलिन भैया, यार मजा आएगा। और नहीं तो क्या भाई साहब। गाइस अब अपना हो चुका है ये शोरूम, देख सकते हो डिलीवरी के लिए गाड़ियां इस प्रकार से निकले करेंगी। और ये रोल्स रॉयस है, ओपन है क्या, हो जाएगी सर ऐसे भाई देखते हैं। ओ भाई साहब ओपन रोल्स रॉयस है, मतलब यार अच्छे खासी गाड़ियां भी हैं यहाँ पे, और इन सब का बहुत अच्छा मोटा भाव मिलेगा गाइस मेरे को। और भाई यहाँ से निकालने की तो कोई जगह है ही नहीं भाई, कोई स्लाइडिंग स्लोप देना चाहिए था इन लोगों की गाड़ी यहाँ से डिलीवर होकर के निकले। लेकिन गाइस यार अच्छा खासा स्लोप तो उस साइड दे रखा है आपको, जैसे कि मैंने कल दिखाया था। बाकी यार कितनी भयानक भयानक गाड़ियां यहाँ पे यार, यहाँ पे अब हम चैलेंज भी कर लिया करेंगे। और अपनी हुरेकन तो गाइस कुछ खतरनाक ही लग रही है, अलग लेवल की। और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन, तो भाई कल आएंगे। ओ भाई ये डैमेज कहाँ से हो गया, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ पेंशन भाई तो ठीक कर दियो। फ्रैंकली भैया अभी हमारा शोरूम, हाँ तो हमारा ही शोरूम हो गया अब ये। हाँ गाइस अब ये हो चुका है हमारा शोरूम। अब उस मैं गाइस देखता हूँ, कल वो मैंने एक कैबिन देखा था ना, उस कैबिन में बहुत सारे पैसे रखे थे, क्या वो अभी भी रखे हैं क्या। अरे ओ चींदी लालची, अरे यार अब तो अपना हो गया ना, अब तो किसी का हक नहीं है, और वो भी चले गया ओनर, तो भाई अब पैसे तो हमारे ही होंगे ना। अरे कहाँ पे है वो, अरे रुको गाइस वो कैबिन उस साइड पे है, और मेरे को वो जा करके देखना। हाँ हाँ वो रहा कैबिन। फ्रैंकली भैया ये क्या पना कर रहे हो यार, ऐसी हरकतें मत करो। रुक जा भाई रुक जा। अरे सर जी हमारी डिलीवरी कब होगी भाई, डिलीवरी जल्दी होगी, तुम लोग डिलीवरी यार ये लोग वेट हो रहे हैं। अबे यार इनको सबसे एक नया स्टाफ रखो। ओ भाई पैसे अभी तक रखे हुए हैं भाई, नकली तो नहीं है ये। नहीं भाई डॉलर तो असली हैं, मतलब गाइस ये सारे पैसे अभी तक हैं, तो यार कितनी ज़्यादा ही बेहतरीन बात हो गई है, हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। वो मुझे लग रहा है वो बेवकूफ़ भूल गया होगा मालिक। और भाई साहब लेकिन अब ज़्यादा ही मज़े वाली बात हो गई है गाइस, आप लोगों ने बोलता कि आप लोग शोरूम लो, तो भाई हमने शोरूम भी ले लिया यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया ना। अपने पास दो यार वो खड़ी है शिरोन भी है ना, तो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो भाई यार इन लोगों की डीलिंग करवाते हैं, और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, और पार्टी करेंगे आज। सब लोगों की डिलीवरी करवाने के बाद, और अच्छा खासा प्रॉफिट पहले दिन ही हमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। पहले दिन ही बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। गाइस यार बहुत अच्छा मज़ेदार शोरूम है, मेरे को तो लगता है कि यार ये जो शोरूम है ना मैनेज करने के लिए मुझे कोई और व्यक्ति रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यार जॉब और शोरूम कैसे मैनेज करूंगा, यहां से जो भी रेवेन्यू आएगा वो सब में हम मौज काटेंगे। अरे यार वैसे भी कोई दिक्कत थोड़ी है पैसों की। हाँ भाई हाँ, लेकिन यार अब शोरूम भी हो गया तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा गाइस, और शोरूम की लाइट कितनी जगमगा ये, मतलब यार कितना ज्यादा ही बेहतरीन लग रहा है ये। और ये तो क्या फ्रैंकली कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है ये तो भाई साहब, अब मेरे को ऐसे ही तो शोरूम चाहिए था, और ऑडियंस को भी जैसे ही चाहिए था वैसे ही हम लेकर के आए हैं। भाई ये बारिश रुक जाए, क्योंकि यार इस वजह से ना ये जो रैंप है बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रही है। लो वन ईयर का प्रॉफिट तो बहुत बड़ी बात है, तब ऐसे तो हम बहुत जल्दी भाई बिलियनर बन जाएंगे। अरे बोल कैसे रहा है तू, बात तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अबे हाँ भाई बन सकते हैं, लेकिन भाई यार अपना ऐसे ही बिजनेस और भी हो, और भी शोरूम ऐसी डील हो ना भाई, कुछ बेवकूफ़ आ जाते हैं ना फॉरनर्स, और जो है सब ये बात बहुत ज़्यादा करेक्ट बोली तूने। और नहीं तो क्या, बाकी गाइस यार अपनी हुरेकन देख सकते हो कितनी ज़्यादा ही बेस्ट चल रही है, बेस्ट चल रही है गवार, बेस्ट चल रही है, क्या बोलूँ मैं इसको। तो गाइस चलो यार हम ना इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। हाँ गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और सारे कागज़ हमारे पास हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पर जाकर के जल्दी से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। और ये आकर के मुझे मार भी सकते हैं, ठोक भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मार ही दिया देख।